Assalamu alaikum and welcome back. My name is Asfan Yareli and today is my result. I already एक story एक post लगा चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि मेरा 21st अगस्त को result है at 11 AM. So पूरी रात मुझे नींद तो नहीं आई क्योंकि पता था कि कल result है और 9th-10th में ऐसा चाप उस तरह डर नहीं था मुझे क्योंकि मुझे पता था कि इतने हिस्सा का पेपर करके आया हूँ एंड या मुझे इतने नंबर मिल जाएंगे उतने ही आए थे. But when it comes to first year and second year, लोग भी बहुत डराते हैं और बोर्ड वाले खुद भी बहुत डराते हैं कि नंबर लेना बहुत मुश्किल है और ये वो. So I am very scared. और मैंने अपनी एक वैसे भी मेरी एक जो कॉलेज की एक स्टोरी है वो काफ़ी डिप्रेशन वाली और काफ़ी फजूल है. सो मैंने APS आवाज चूज़ किया आफ्टर getting 95% marks in matric APS Awad जो कि एक रिमोट एरिया में है एंड उस तरह वो पॉपुलर नहीं है जैसे APS Fort Road हमजा APS Foji Foundation. तो वो एक रिमोट एरिया करके एक गाँव का टाइप तो नहीं है ऑफकोर्स रवाद इज़ अ शहर. तो बट वो उसका रिजल्ट उस तरह का वॉक किस्म का नहीं है. तो आई एम वेरी स्केयर्ड राइट नाउ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने अपना 100% दिया है लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अल्लाह ताला जानते हैं. मैंने बहुत दुआएं की हैं लेकिन मैं रिज़ल्ट से पहले ना अपनी एक प्रिडिक्शन देना चाहूँगा क्योंकि जब आप पेपर करके आते हो ना तो आपको पता होता है कि यार इतने नंबर आने चाहिए. अगर उतने ना आए अगर लेट्स सपोज जब रिज़ल्ट आ जाएगा अगर मेरे उतने नंबर नहीं आते तो यार उसमें मेरी कोई गलती नहीं है पक्की बोर्ड की चेकिंग के मिस्टेक्स हैं. ठीक है अभी आई डोंट नो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ बट द पॉइंट इज़ कि मैंने ये मेरा आई गेस क्वेश्चन पेपर्स हैं तो इसमें मैंने लगाए हुए थे इस्लामियात में मैंने लगाए हैं. हाँ सॉरी इंग्लिश में मैंने लगाए हैं 16 MCQs 75 76 77 नंबर जी इंग्लिश के. ठीक है तो आप अपनी एक बुक खोल लें और उसके ऊपर साथ साथ लिखना शुरू कर दें. इंग्लिश में मेरे 77 मैंने प्रेडिक्ट किए हैं. उसके बाद बायो में मैंने 80 किए हैं ये भी लिख लें. केमिस्ट्री में 82 किए हैं ये भी लिख लें. फिजिक्स में 85 में से 81 किए हैं आप ये भी लिख लें. और इस्लामिक एजुकेशन में मैंने कितने किए हैं इट्स 45 एंड इस्लामियात सॉरी समझाते हैं इट्स उर्दू में मैंने किए हैं 85. तो द पॉइंट इज़ कि अगर इतने नंबर आ गए तो बहुत बड़ी बात है बिकॉज इट्स 455 आई गेस एंड 455 फर्स्ट ईयर में आके स्कोर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जो लोग पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है दे नो यार अभी इट्स अराउंड 10:30 ना तो आधा घंटा रह गया है. अब मोस्ट प्रोबेबली जो उनका रिजल्ट वो जल्दी भी आ सकता है क्योंकि बाज़ों का जल्दी भी अपलोड हो जाता है. बट द पॉइंट इज़ कि आई एम सो स्केयर्ड राइट नाउ आई डोंट नो क्या होगा यार. मुझे अपनी भी टेंशन अपने दोस्तों की भी टेंशन अपने स्कूल की भी टेंशन है. एक सर जहूर ही सर PTI उनसे लेके प्रिंसिपल तक सबको मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं कुछ करूँगा एंड एट द एंड कि मैं कुछ भी ना करूँ सो उसका एक डर है. बट विल सी यू आफ्टर सम 15-20 मिनट्स जब रिजल्ट आने लगे. यार मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि जो रिजल्ट है वो 15 मिनट्स पहले अपलोड हो गया तो इट्स 10:45 राइट नाउ. और अब मैं अपना रोल नंबर डालने लगा हूँ एंड उसके बाद मैं दूसरों के भी रिजल्ट देखूंगा. लेकिन आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई एम नर्वस राइट नाउ. पहले मुझे उम्मीद होती थी अब मुझे डर है किस्म का. सर्च लेट्स गो अहेड यार 307-108 झूले लाल चलता हूँ मैं everywhere झूले लाल I ain't got no worries you ain't about that action you ain't about that business झूले लाल all day every day झूले लाल बजता हूँ मैं everywhere झूले लाल million and audio numero uno bitch bye bitch audio sir kalam jab kalam mera uthta kerosene dalu teri. So यार जब रिजल्ट आया था तो आई वॉज टोटली आउट ऑफ माई सेंसेस तो इसलिए मैंने वो रिएक्शंस जो उनसे एंड वो
रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वो काफ़ी अजीब से लग रहे थे, वो ओवर एक्टिंग लग रही थी, इसलिए मैंने कहा कि नो ओवर एक्टिंग, आई एम एक्टर ओनली. सही है, तो आई एम सो मच हैप्पी राइट नाउ. मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर नंबर लिए हैं. मैंने पहले आपको बताया था इस्लामिक एजुकेशन में मैंने कितने बताए थे, 45, एंड आई गॉट 47. एंड व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री मैंने 82 लगाए थे, 84 फिजिक्स में 81-81 आए हैं. एंड और कौन सा सब्जेक्ट होता है, उर्दू में मैंने 85 लगाए थे एंड आई गॉट 94. उर्दू सीखना मेरे से. इंग्लिश में मैंने 77 लगाए थे एंड आई गॉट 85. एंड टोटल जो स्कोर बना है 474 आउट ऑफ 505. एंड परसेंटेज जो बनी है दैट्स 94%. एंड जो ग्रेड बना है इट्स A+ ग्रेड. मुझे काफ़ी लोगों ने तो बहुत डराया है ना जब मैंने APS आवाज में कदम रखा तब से लेके एंड तक. सो दिस वीडियो इज आंसर टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे, ऑल्दो लोगों ने मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, वो चाहते थे कि मैं अच्छे नंबर लूँ, बट आई प्रूव्ड कि हार्डवर्क डज पे ऑफ. एंड व्हेन इट कम्स टू हार्डवर्क, तो भाई हार्डवर्क आपने खुद करना है, टीचर या स्कूल ने कुछ भी नहीं करना. तो स्कूल आप चाहे APS फोर्ट रोड पे चले जाओ एंड APS रवात में, आपने नंबर वही लेना है जितनी आप मेहनत करोगे. सो इट्स अभी पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट माई स्केजुअल एंड वट आई डिड इन फर्स्ट ईयर एंड वट यू शुड डू. सो एवरीथिंग अपार्ट, बाकी मेरे दोस्तों के उस तरह का वाव रिजल्ट नहीं आया जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जिस तरह के वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो भी है स्कूल इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ. मुझे बहुत सारे टीचर्स की कॉल, प्रिंसिपल की कॉल, एंड अब कल जाके देखते हैं क्या सीन है उधर. पहले मैं इधर था अब इधर आ गया हूँ. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला ने दी थी, अब मुझे इसको रिटेन करना है सेकेंड ईयर में. एंड इंशाल्लाह आई विल पुट माई 110%. And yeah, that's all, yaar. Thank you so much for your prayers. Stay blessed. And main aapko complete description mein agar kisi bande ko koi masla hai to main numbers and sab kuch daal dunga. Aur mujhe tabiyat bhi bahut kharab thi, but the point is ke result aa gaya. HSSC 1, the stereotype that first year is very difficult, I have broken that. And alhamdulillah, I'm very happy for that. Okay, so one thing ke maine Allah Taala se hamesha dua ki thi ke mujhe jitne bhi zyada number aa jaye, जितना भी हो जाए, डोंट मेक मी प्राउड, प्राउडी वाला बच्चा, ठीक है. मैं हमेशा, मैंने नंबर लिए हैं, मैंने जितने बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ से पढ़ा दो, आई डिड दैट. मैंने उनकी कम्प्लीटली हेल्प की है. कभी भी जो इल्म है ना वो आप अपने तक रखोगे तो हमेशा कभी फैला नहीं पाओगे. जितना दूसरों को सिखाओगे उतना आपकी भी प्रैक्टिस होगी और उतना आपको सवाब भी मिलेगा. सो आई डिड दैट, और हर किसी को करना चाहिए. रियल टॉक, छोटे हसल मेरी असली है, हाँ तभी तो हेटर्स की मेरे से जलती है. मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी चलती है, लव प्रिवेल्स, हेट सारी वक्ती है. मुफ्त के वाईफाई पे बैठे वो ज्ञान दे, बाट अगले चौक पे शाबा छोटे जान दे. बैड एनर्जी फैलाने वाले ब्लॉकर, बिग बैड बुली हु जस्ट यूज्ड टू बी अ स्टॉकर. मेरी स्नैप देख तेरी हटे, फिर तू IG पे जाके ऑल फॉल बके. हेटर्स को वो लेता सीरियस जिसको खुद पे शक है, तुम मुझे जज करो तुम्हें दिया किसने हक. ये रखिए अपनी सलाह अपने पास रखिए, बातें बड़ी बड़ी.